बरेली में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू से बचाव को लेकर किए गए इंतजामों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने जिला अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को परखा। वन मंत्री सबसे पहले इमरजेंसी पहुंचे और वहां मौजूद डॉक्टरों से वार्ता के बाद भर्ती मरीजों से बात करके इंतजामों की हकीकत पर की। इसके बाद वन मंत्री ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को परखा। मंत्री विधायक ने सीएमएस को अस्पताल में सभी सुविधाएं दुरुस्त रखने को कहा। वन मंत्री ने अफसर से कहा कि अस्पताल में जनता को बिना किसी दिक्कत के स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होनी चाहिए। किसी भी हालत में लापरवाही की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में कई स्थानों पर खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों की क्लास दे ली। कहा कि समय समय पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाना चाहिए। इस दौरान कैंट विधायक ने कहा कि मरीजों के साथ स्टाफ और डॉक्टर नम्रता का व्यवहार रखे, जिससे मरीज का मनोबल बढ़े और उसे इसका लाभ मिले। और बुखार की वजह से काफ़ी चल रहा है और बुखार की वजह से कुछ डेथ्स भी हुई हैं, इसलिए हमारी सरकार इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी मरीज बुखार के हैं उनकी पूरी जांच हो, क्या वजह है, जो डेंगू का है उसका पूरा इलाज हो, जिसकी जो भी देखभाल हो सकती है वो हो। उसके साथ ही साथ हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं गलियों में जगह जगह छिड़काव करवाएं, लोगों को शिक्षित करें कि पूरी वहाँ के कपड़े पहन के सो, ताकि मच्छर कम से कम काटें। मच्छरों से बचाव ही डेंगू का असली बचाव है, और जहाँ तक अगर मुमकिन हो सके तो मच्छरदानी में सोएं, और किसी को कोई परेशानी हो तो अपने खून की जांच कराएं और अस्पतालों में आके डॉक्टरों से जांच। हमने कई मरीजों को देखा और उनकी जो दिक्कतें थीं वो हमारे साथ में जो सीएमएस और सीएमओ थे उनसे कहा, और आम तौर पे मरीज का इलाज सही चल रहा है। डॉक्टर्स को दवाई उनको दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स के व्यवहार या उसके लिए कुछ मरीजों ने शिकायत की है, उसके लिए भी उनको कहा गया है कि आप संवेदनशील भी रहिए, सद्भाव भी रखिए, और डॉक्टर्स को जरा अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आधी बीमारी उसकी दूर हो जाएगी, और उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तुरंत पूरी करिए। और मैंने सीएमएस और सीएमओ को कहा है कि अपनी टीम के साथ डेली यहाँ पर जितने पेशेंट हैं और उनके जो डॉक्टर्स हैं जो उनको देख रहे हैं, फाइलों के साथ बैठिए और हर मरीज का उस पर विचार करिए, उसके लिए हमें क्या और अच्छा कर सकते, उस तरीके से आप डेली मीटिंग करिए। उन्होंने कहा है हम डेली मीटिंग भी करेंगे डॉक्टर्स के साथ, और अगर उन्होंने ऐसा करा, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ यहाँ के व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ की चिकित्सा में सुधार आएगा और पेशेंट को और अच्छा इलाज मिलेगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।